लादेन के मरने के बाद अमेरिका की सेना इसको खोज रही थी, आज इसको मार गिराया गया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 15 अगस्त के पहले हम लोग को, भारतीय को एक बहुत बड़ा तूफान मिला, क्योंकि असम में भी इसका इन्वॉल्वमेंट था, उत्तर प्रदेश के संगठनों में, आतंकवादियों के मूवमेंट में, हिंदुस्तान में भी ये बहुत बड़े पैमाने पर सक्रिय था। इसका जाना आज हम लोगों के लिए बहुत ही राहत है, लेकिन राहत खत्म नहीं होती, क्योंकि अल जवाहिरी जैसे अनगिनत मरते हैं। टेररिस्ट तो अपने तरह 100-200 हजार पीछे अपने अल जवाहिरी और उसामा बिन लादेन छोड़ के जाते हैं। इन लोगों को खोज खोज के मार गिराना होगा। ये लोग नहीं तो ये लोग खत्म नहीं होंगे। एक अल जवाहिरी के मरने से आतंकवाद खत्म हो जाए या रुक जाए, ये पॉसिबल नहीं। लादेन के मरने के बाद भी आतंकवाद सक्रिय है, तो ये थॉट है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं ध्वस्त करना, ये लोग चाहते हैं भारत को समाप्त करना, भारत की एकता अखंडता को बर्बाद करना और हमेशा एक चिंता का विषय बनना और समाज में आके सोसाइटी को डर भय पैदा करके तुष्टिकरण की राजनीति पे एक समुदाय पे अटैक करके हत्या करना। और पंडितों पे हत्या रही या आम समाज पे रही या पार्लियामेंट पे अटैक रहा, तो ये सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो आज इसे जवाहिरी के जाने से, लेकिन मैं कहूंगा ऐसे बहुत सारे अल जवाहिरी, ऐसे बहुत सारे उसामा बिन लादेन अभी भी सक्रिय हैं उसी तरह जैसे वो लोग। आपका कहना है?